हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा नौवीं गणित और कक्षा नौवीं गणित के इस वीडियो में हम आ चुके हैं फिर आपको दोबारा। इस भाग आपको तीन है, भैया राव और गणित, कक्षा नौवीं की गणित, और इसमें बात करेंगे हम भाग तीन में महत्वपूर्ण सहविकल। मतलब इसमें हमने इसके भाग वन भाग टू में हमने आपको सही विकल्प बता चुके हैं। हम उसमें हर वीडियो में हम 10-10 सही विकल्प डाल रहे हैं, बना के आपको सॉल्व करवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो इसमें भी आपको 10 विकल्प रहेंगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और एमसीक्यू पूरे टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 40, को हमने एमसीक्यू मतलब मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट विकल्प कितने 40 रहेंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन है, मोस्ट है, बहुत में त्रिमासिक पेपर में इसी से आएंगे, इसी से हम कर सकते हैं 100% बनेंगे क्वेश्चन यहीं से आएगा, आएगा जरूर ना जरूर आएगा यहाँ पर। या तो यहाँ पर इसको हमने चार भाग में बांटा, कितने चार, तो आपको चारों भाग देखना है। ये आपका तीसरा भाग है, हमने दो भाग डाल दिए, 10-10 विकल्प लेके बना के। और हमने इसमें आपसे बताया तो कहा था कि हम इसमें रिक्त स्थान भी बना सकते, लेकिन हम इसमें ज़्यादा नहीं गए, लेकिन अपनी भाग चार में हम आपको मिक्स रिक्त स्थान भी देंगे प्लस में ऑब्जेक्ट भी 10 देंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए माफी चाहते हैं कि हमने आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्ट मतलब खाली स्थान नहीं बनाए, तो उसके लिए सॉरी। और हम डाल देंगे, तुम टेंशन मत लेना। देखो जी है इस प्रकार के विकल्प, आप लोग सॉल्व करो। आपके एक अध्याय के अंतर्गत हम और भी विकल्प डालेंगे, और अगले वीडियो में शायद ज़्यादा भी विकल्प बना सकते हैं, 20 भी ले लें, और उसमें मिक्स आपके खाली स्थान भी बना सकते हैं। इसमें से कंटिन्यू आ जाएगा, आपके इनसे बाहर नहीं जाएगा, फिर आ जाएगा 50 विकल्प में से, यार 50-60 विकल्प हो जाए उनमें से कहाँ बाहर जाएगा, फिर इन्हीं में से अगर फिर आप लोग सवाल लगा के बनता है तो फिर तो आप सॉल्व कर लो विकल्प। लेकिन आप लोग एक विकल्प अगर सॉल्व नहीं करते हो तो थोड़ा नॉलेज कम होता है। अगर आप विकल्प सॉल्व कर लो तो ये आपको पेपर में जाने से पहले ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपको कि विकल्पों की हो जाएगी ना। यहाँ पर हम आपको विकल्पों के बारे में तैयारी करवा रहे हैं। तो देखो इस वीडियो में आपको ये सारे विकल्प सॉल्व करना है, और हम आपको इसके सॉल्यूशन भी बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो अगर आपसे बनते हैं तो ये सॉल्व कर लो, क्या करो सॉल्व, इनको देखो और करो, ठीक है। तो ये आप लोग इनको पहले कर लो, अगर आपको समझ में आ रहे दिख रहे हैं ना, तो आप लोग पहले इसको लगाने का प्रयास जरूर करें, फिर हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। तो चलो करो फिर हम बता रहे हैं, कर लो आप यहाँ पर, फिर हम आपको यहाँ पे आप मिलाते जाना आपका जो आंसर आए, और अगर आपका जो आंसर आ गया कमेंट करके जरूर बताएं हमें, जो भी आपको आंसर आए ये कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करें, जिससे हमें ये होगा कि पता चल जाएगा कि आपका विकल्प सही है या गलत आपने किया है, इसका आंसर दिया, ठीक, करके दिखाओ यार। जब आप करोगे तो तभी तो हमें पता चलेगा कि आपने लगाया, कमेंट कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा लगाया। देखो पहले आप जब क्या पहले पूछा गया √3 का दशमलव प्रसार क्या, √3 का दशमलव प्रसार है, √3 का दशमलव प्रसार अगर आपने लगाया होगा उनके अंदर तो आपको पता होगा √3 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, आसान अनावर्ती, आवर्ती तो होगा नहीं, आवर्ती का मतलब होता है बार बार वही अंक, लेकिन दशमलव जिसका आसान अशांत होता है तो उनके दशमलव दोहराते हैं तो क्या होगा अनावर्ती, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट, ठीक है। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब अशांत, मतलब ये हो जाता है कि इनका अशांत, और अशांत का ये मतलब होता है कि जो जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो गए वो अशांत होता, शांत मतलब रुके ना दशमलव होगा, और जिनमें अनावर्ती का मतलब ये हो जाता है कि जिनकी दशमलव अंक हर भी बदल बदल के यहाँ पे अनावर्ती हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इनमें से परिमेय संख्या है, इनमें शांत है तो मैं कौन परिमेय संख्या है, इनमें से आपकी इनमें से परिमेय संख्या कौन है, तो यार इसमें सॉरी यहाँ पर अपरिमेय लिखना था, इसमें परिमेय लिख गया, ठीक है। इनमें शांत है तो मैं इनमें से अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या बताना है आपका कौन सी अपरिमेय संख्या है, अगर इसमें परिमेय होता तो ये तीनों परिमेय जब अपरिमेय है तो गलत हो जाता ना, तो इनमें अपरिमेय होगा, लेकिन हमारी गलती से लिख गया, यहाँ इन एन में से अपर में मतलब नीचे में से कौन अपर में,
तो रूट जिनका वर्गमूल 225 का वर्गमूल बारह कराएगा, जैसे तुम 200 रूट के 225 का वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल करोगे तो कितना जाएगा, 15 आ जाएगा। 49 का तुम्हें पता ही होगा कि तो 7 हो वर्गमूल, ठीक है। और 5.328 जी आपका पर में है, ये कैसे इसका दशमलव शांत है और ज़्यादा अंक तक गई नहीं है, तो यानी पी बटे क्यू के रूप में लिख भी सके, इनको दशमलव हटा दो, 3.28 मतलब जे अंक हटा, 1, 2, 3 अंक हटा, 0 नीचे बढ़ा देगी, एक मतलब पी बटे क्यू के रूप में बन गए, तो जे भी पर में है, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सके भी पर में, तो जे सब पर में हो तो जे बचिए, रूट 23 का तो वर्गमूल होता नहीं होता तो जे पर में हो जाएगी, वैसे भी जिनका वर्गमूल नहीं होता रूट के अंदर संज्ञा हो गया पर में होते हैं। तो देखो तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, इसका ऑप्शन ए सही हो गया। तीसरा आपको क्या कह रहा, किन्हीं दो पर में संख्याओं का गुणनफल होता है, तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल करें तो क्या आएगा, सदैव एक अपरमेय संख्या सदैव एक परमेय संख्या कौन सी हो। तो जब अपन दो परमेय संख्या ले ली, जैसे आप 2/5 ले लो, 5/2 ले लो, 4/2 ले लो, अपन में गुणा करना, 5/2 ले लो, 6/2 परमेय ले लें, 40 कर लो, गुणा कर जैसे 5 6 30 10 में ले तो उनको तय आ है, तो भैया कितना परमेय संख्या 4/2 करो, 5 6 30 30/10 जैसे 30/10 है, जी भी तो कहा परमेय है ना, आप चार जोन सी संख्या ले लो, माइनस में होगा तो माइनस के 8 × 4 का होता तो माइनस को 32 आएगा, बटे में ले लो तुम बटे में तो बटे में कितना आ जाए 6, ये सब परमेय है, ये परमेय अपर परमेय का परमेय में गुणा कर दी, किन्हीं दो परमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, सदैव एक अपरमेय संख्या, अपरमेय तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, सदैव एक परमेय संख्या, हाँ जी जरूर होगा, सदैव क्या आती है परमेय संख्या आती है, गुणनफल कर दो परमेय संख्या में गुणा होगी, ऐसा करो तुमको परमेय संख्या होगी। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरमेय होगी, बताने निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरमेय, तो बताने तुम्हें कौन संख्या अपरमेय है, अपरमेय बताना, तो भैया जी आपका सॉल्व कर लेना, इनको लिखा तो इनको पहले सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे जी रूट का लिखा है, रूट का 16/25 लिखा है, 16/25 लिखा है, 16/25 इसका वर्गमूल निकाल दोगे, 12 निकाल आएगी कितनी आ जाएगी, 4/5 निकाल आएगी, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 4/5, वर्गमूल आप चाहिए कैसा हो जाता है, इसका हो जाएगा रूट अलग अलग चल जाएगा, रूट और रूट के पक्ष तो ऐसा निकल आएगा, फिर 16 √16 का वर्गमूल 4 होता है, √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, या भी आंसर, ठीक है, इसलिए इसका इसका कितना हो जाएगा, इनमें अलग अलग लिखे 12/√3, तो इनको थोड़ी इकट्ठा लिख दे, जैसे इनमें अपन ने करा था, इनको अलग अलग किया तब इनको इकट्ठा करते हैं, 3 का भाग दे भी देखो के 12 से 4 आ जाएंगे, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये सब परमेय है, जारी परमेय है, और 225 को तुमने अभी देखा था कि 15 होता वर्गमूल, बचे √11 का वर्गमूल नहीं निकालना, तो ये जे है तुम्हारी अपरमेय संख्या, ठीक है। 3 + √3 - √3 का मान होगा, मतलब इनका गुणा करके गुणनफल कितना आता है बताना है आपको, तो भैया इनको गुणा कर लाइए, अगर गुणा नहीं बनता तो कैसे हम देख लेते हैं, √3 + √3 - √3, इनको गुणा पहले पद में करना है, 3 × 9 आ जाएगा इसका, फिर इसमें करना है तो इसका गुणा इसमें होगा नहीं क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा, तो इनके 12 लग जाएगा, आंसर लिख दिया गया 3 √3 माइनस का माइनस आया, फिर आपको इसको करना है दूसरे में, इसका दोनों में कर लिया, अभी इसका भी करेंगे, और प्लस के √3 √3 इसमें भी आ जाएगा, इसमें करोगे तो रूट के अंदर एक सी संख्या, तो रूट से रूट हट जाएगा, या वो तो अंदर रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 × 9 अंदर गुणा हो जाएगा। अब आपका जो माइनस प्लस में √3 √3 गए, तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचे 0, और यहाँ पर √3 √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो कितना जाए 9 × 3 गए 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन ये नंबर कौन सा आएगा, डी नंबर सही है, ऑप्शन डी नंबर इसमें 6 है, तो आपका सही हो जाएगा 6, तो इसका मान
अब इसको भी मान निकाल लें तो भैया इसको भी हल करना पड़ेगा तुमको। क्वेश्चन छः में क्या कह रहा है, 2 की घात 0 + 2 की घात 0 / 2 की घात 0। इसको मान निकालना 2 की घात 0 + 2 की घात 0 / 2 की घात। देखो अब इसमें भाग भी लगा सकते हैं क्योंकि एक सा है, तो एक से मैं काट भी सकते हैं, भाग लगा दो सुधीर से जी काट क्या जाए 2 की घात 0 + 1। और तुम्हें जे को भी हो जिसपे घात 0 हो उसका मान हमेशा एक होता है, तो 2 की घात 0 को मान एक हो जाएगा, 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2। और तो ऑप्शन कितना 2, जिसमें 2 होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसको ऐसे भी कहते तो मैं पता हूँ कि 2 की घात 0 को मान कहता हूँ एक एक रख दो, जहाँ 2 की घात 0 है तो एक एक रख दो, एक में एक भाग लगाओ तो एक ही आएगा, तो एक एक कितने हो जाएंगे 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। सातवां क्या कह रहा है, छठवां हो गया आपका। सातवां कह रहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना सदैव एक संख्या होगी। जब 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ सो मिले का अपरिमेय संख्या मिले तो इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। और ऐसा नहीं कर रही होगा जैसे कहूँ कहूँ सदैव एक कौन सी संख्या मिलती है अपरिमेय, सदैव तो मैंने अपरिमेय कहूँ कहूँ परमेय भी बन सकता है। जैसे ऐसी कंडीशन है आप रूट के 3 ले लो प्लस माइनस के रूट के 3 ले लो प्लस के लिए एन एच 0 से 0 हो जाना कम हो जाना चाहिए परमेय बन जाए, तो इमेज सदैव लिखो अगर जो आते हो तो अपरिमेय संख्याओं का ये फल होता है, तो कार्य तक कभी परमेय कभी अपरिमेय हो जाते हैं। इमेज तो देखो 2 अपरिमेय संख्याओं का ये फल सदैव क्या होता है, सदैव एक अपरिमेय सदैव तो हमें कभी सदैव तो कह रहा थी अपरिमेय संख्या होती है, कहूँ कहूँ कंडीशन ऐसा है जिनमें माइनस प्लस आ जाता है उनमें हो जाते हैं सब ज़्यादा सदैव तो दे जाते। 2π एक संख्या, 2π जिसके अंदर पाई हमने बताया था कल भी कल के वीडियो में भाग दो में बताया था कि जिसमें पाई लगी हो तो वो क्या कहलाता है परमेय, क्योंकि पाई को परमेय ही घोषित किया गया, तो पाई क्या है अपरमेय, सॉरी पाई को अपरमेय हमें उल्टा बोल रहे हैं हमारा, तो पाई को क्या कहा गया अपरमेय घोषित किया गया, तो पाई एक अपरमेय संख्या मानी जाती है, पाई को अपरमेय माना जाता है। 2π का है जिसमें 2 लगा पाई उसमें संख्या लगी तो काफी अपरमेय हो गए। अब ऐसा बोध के भैया जैन संज्ञा अपन आदमी जैसे दारू खोर संज्ञा एक आदमी खड़े हुए या गुटखा खाए वाले आदमी संज्ञा एक आदमी खड़े तो समझ जाओ उन्हें क्या हो जो गुटखा खात आदमी जो गुटखा खा भला नहीं ना खा रहा खात हो, ऐसे ही जहाँ जुआ खेला था तो आदमी जितने खड़े हुए या बैठे हों तो सब जने कहा नहीं जुआ खेला तो खेला भला नहीं लगा नाम चला था ऐसा ही है। पाई संज्ञा जिनको भी लगे तो भैया वे भी क्या कहला है अपरमेय देख रहा है अपरमेय चले उनको नाम भी 2π का पूरे जने अपर में पूरा गौरव का कहा है उनको अपर में कहना है। जैसे अपन लोग जुआ खेल रहा तो सब जने खेला चाहे एक जन हो चाहे 2 जने लेकिन अपन को रोते जुआ खेल रहा सब जन को ऐसी बोल तो 8 में होगा तो 9। अब 9 में देखो 64 की घात कितनी है 64 पे घात लगी -1/2। इसको सॉल्व करने आप कैसे करो सॉल्व ठीक है आपका सॉल्व कर लेने और इसका गुणनखंड कर लेना, इसको कैसा बना सकते हो तुम या तो 64 का वर्ग 8 का वर्ग 8 का स्क्वायर कर दो -1/2 ऐसा कर दो ठीक है ऐसा कर लोगे या तो 2×2 के रूप में बना दो 2 की घात क्या कर दोगे करो तो 6 कर दोगे 64 आ जाएगा, तो वैसे ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो 8 की घात को 2 और इस घात के ऊपर घात गुणा हो तो 2×-1/2 आ जाएगा ठीक है, 2 से 2 कट जाएंगे 8 की घात माइनस तो 8 की घात माइनस का मान कितना हो जाएगा 1/8, तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर सही। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी सवाल लगाने होंगे तो आराम से बनते होंगे, नहीं बनते तो एक कमेंट करके उसमें डिटेल से बताएंगे। अब आपको जो है आपका 100 के ऊपर कोष्ठक बड़े कोष्ठक को घात हो छोटे घात के ऊपर घात हो तो गुणा होता है, तो वो ही नियम लगाएंगे 100 घात के ऊपर घात को गुणा होता आपस में तो 1/2 घात नीचे ऊपर क्या थी तो 1/2 गुणेंगे तो जाएंगे 200 से 2 से नहीं कट जाएंगे 200 की घात 1 का मतलब होता है क्या 100 की घात 1 का मतलब क्या होता है 100, तो इसमें ऑप्शन में ए में 100 है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भैया तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लाके आएंगे लेके आएंगे भाग 4 उसमें बताएंगे आपको
दस इसमें हमने ऑब्जेक्ट करवा दिए, 10 और रह गए बाकी चौथे वीडियो में। और इसमें हम चौथे में ज़्यादा से ज़्यादा 20 ऑब्जेक्ट लाएंगे, 10 रहेंगे उसमें विकल्प, सार में 10 कर देंगे या 20 कर देंगे, और जितना बन सकेगा उतना कर देंगे, बाकी खाली स्थान बनाएंगे, एक बाकी मंत्र बनाएंगे, सही जोड़ी भी बना के दिखा सकते हैं, नहीं तो अगले वीडियो में बनाएंगे, बस कमेंट कर देना, सो बना देंगे। ठीक है, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।